अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और माशाल्लाह रमज़ान मुबारक शुरू हो रहा है परसों से, और पाकिस्तान में तो परसों से है हमारे पास रोज़ा, और आई थिंक कल बाकी जो ममालिक हैं हमारे उनमें रमज़ान मुबारक है। तो आप सबको रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ढेरों दुआएं और ढेरों खुशियां अल्लाह ताला आपको अदा करे, आमीन। और सबका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुजरे, आमीन। और आप सब लोग हमारे लिए भी दुआ करिएगा, अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे और खुशियों से नवाजे हमें, आमीन। और रमज़ान मुबारक हमारा भी अच्छा गुजर जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बाकी जो है बाकी रमज़ान की प्रिपरेशन तो मैंने खैर कोई नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि दो लोग हैं, फैमिली पूरी हो तो फिर उसमें ज़्यादा मज़ा आता है घर में इस तरह करने में। हालांकि ऐसे भी मज़ा आता है माशाल्लाह, और जब अरताज बड़ा होगा ना तो फिर माशाल्लाह जब वो रोज़ा रखेगा इंशाल्लाह तो बस फिर मैं ये सारी चीज़ें साथ साथ किया करूँगी उसको, ताकि क्यूरियोसिटी होती है फिर बच्चों को इन चीज़ों में, तो फिर इंशाल्लाह। हाँ जी, तो बस अभी आज काफ़ी दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाए थे, कुछ तबीयत अप डाउन थी और कुछ मेरा था कि बस ताश का स्कूलिंग शुरू हो गई थी तो उसमें थोड़ा सा मेरा टाइम जो था ना वो इस तरह बिज़ी रहा, और बीच बीच में मैं व्लॉग बनाती रही हूँ, और आई थिंक एक मैंने लगाया भी था, अपलोड किया था मैंने, और उसके बाद फिर क्या उसको बोलते हैं उसके बाबा को मैंने बोला था ताश के कि आप ना उसको क्या उसको बोलते हैं चैनल पर ना जो होता है ना मेरा वो सारा सेट कर दिया करें, तो क्योंकि टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, और ताश माशाल्लाह स्कूलिंग शुरू हो गई है उसकी भी, तो अभी रूटीन सारा दिन बिज़ी होती है और काम आपको पता है घर में ख़त्म भी नहीं होते जल्दी, तो इसलिए मैं कम टाइम दे पा रही थी इधर ना। तो बस इंशाल्लाह अभी रमज़ान मुबारक पूरा अच्छा गुजर जाएगा, और इसमें मेरा इरादा है कि मैं माशाल्लाह व्लॉग अपने रेगुलर डालूँ, और क्योंकि आपको पता है आपको ये भी एक जॉब की तरह होता है कि आपने सारा दिन एक्टिव भी रहना होता है, बच्चों को भी टाइम देना है, घर को भी टाइम देना है, और उसके बाद अपना जो काम है वो भी साथ साथ करना है। तो इंशाल्लाह मेरी है तो कोशिश मैं करूँगी इंशाल्लाह डेली व्लॉग अपलोड करूँ, अगर डेली ना भी हुआ तो कम से कम मैं दो तीन तो किया करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग सुनाएं कैसी लाइफ गुजर रही है? हमारे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है, और गर्मी आ गई दोबारा, सर्दी आ गई है यहाँ पे, और इसी वजह से मैंने तो अपने सर्दियों वाले कोई कपड़ा नहीं अभी तक रखा था, ताश के भी नहीं रखे थे अभी, इसी वजह से कि अभी सर्दी दोबारा से आ रही है। लास्ट वीक हम गए थे फैसलाबाद, और फैसलाबाद के बाद फिर हम ताश की फूफो की तरफ गए हैं, और वो नॉर्दर्न एरियाज़ में रहती हैं इस वजह से इस्लामाबाद वाली साइड में, तो उसके बाद फिर हम गए हैं नॉर्दर्न एरिया में, तो हम लोगों ने दामने को देखा और ढाइनो वैली देखी है। मुझे तो पहाड़ों पे जाना इतना पसंद नहीं है क्योंकि हाइट फोबिया थोड़ा सा होता है ना हर इंसान को तो नहीं होता, मुझे है, तो मुझे इतना पसंद नहीं है जाना, तो लेकिन ये था कि इंजॉय किया हम सब ने, बड़ा मज़ा आया। अरताज के तायबू थे, इसकी तायबू फैमिली पूरी थी, इसकी फूफो की फैमिली थी और हम लोग थे, तो हम लोग गए हैं बस क्योंकि आपको पता है ईदी शीदी भी देनी होती है, तो फिर इसी वजह से हमारा यही था कि रमज़ान मुबारक में तो निकला नहीं जाता, फिर आपको पता है अपने घर में अगर इबादत करनी हो तो अपने घर में रह के आप सुकून से कर सकते हैं, और फिर उसमें ट्रैवलिंग में फिर आप नहीं इबादत कर पाते हैं, तो इसी वजह से हम लोगों ने फिर प्लान किया कि हम सब फैमिली जाते हैं, उनको ईद वगैरह दे के आते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पे जाके हमारा प्लान सेट हुआ कि हम कहीं और भी घूमने चलते हैं, तो बस हम फिर गए एक दिन के लिए, और बस अगले दिन फिर हम लोग वापस आ गए थे, और दो तीन दिन फिर मेरे इन लॉज इधर थे तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, फिर आपको पता है सारा दिन ऐसे गुजर जाता है, और फैमिली होती है माशाल्लाह फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है तो वो इस तरह करके ना। तो अभी कल वो गए हैं, और ताश काफ़ी सैड था क्योंकि उसको भी फैमिली चाहिए होती है, वो अकेले रह रह के तंग आ गया है, और आपको पता है मतलब जैसे मैं थी, मेरे माशाल्लाह बहन भाई थे तो हम लोगों को कभी फील ही नहीं होता था कि कोई और भी हो तो इस तरह ना मतलब, लेकिन वो अकेला है तो उसको फिर बहुत फील होता है अभी, तो अल्लाह खैर करे, बस अभी स्कूलिंग उसकी शुरू हो गई, अभी बच्चों के साथ खेल के आता है, और सुबह सो थोड़े थोड़े नखरे करता है लेकिन अभी चले जाते हैं स्कूल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे बड़ा होता जाएगा फिर थोड़े नखरे ज़्यादा हो जाएंगे, आपको पता है स्टार्टिंग में बच्चा काफ़ी ज़्यादा नखरे करता है, तो अभी तो खैर बस स्कूलिंग उसकी माशाल्लाह शुरू हुई, तो बस अभी आज का जो मेरा व्लॉग है बस यही तक था,
क्योंकि मुझे आप सबको मुबारकबाद देनी थी रमज़ानुल मुबारक की, और मुझे था कि मैं एक वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग भी देख सकें। और माशाल्लाह सब्सक्राइबर भी मेरे डे बाय डे बढ़ रहे हैं, और जो आ रहे हैं उनको वेलकम भी नहीं कर पाई मैं, तो उन सब का वेलकम मेरे चैनल पे। तो अभी बस व्लॉग एक मैं एडिट कर रही थी, उसका थोड़ा सा काम रहता है बस उसको करती हूँ पूरा, और वो नॉर्थन एरिया का ही है तो जहाँ हम गए थे डानो वैली, तो अभी वो अपलोड करती हूँ। और आप लोग ज़रूर देखिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मोस्टली लोग इस तरह के व्यूज़ मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस तरह जिसमें इस तरह हो जैसे फॉरेस्ट टाइप हो और माउंटेन टाइप हो इस तरह करके ना, तो वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा व्लॉग मेरा ना, क्योंकि मैंने खुद वो व्लॉग बनाया है, मुझे अच्छा लगा कि वो व्लॉग मैं बनाऊँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और जो लोग उन एरियाज़ में रहते हैं उनको तो पता है, वो ज़ाहरी सी बात है वो तो जाते भी हैं, और हम लोग तो मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है, मैं पहले नहीं गई थी ना, मरी एक दफ़ा गई हूँ और एक दफ़ा गई, मुझे इतना पसंद ही नहीं है जाना, मुझे होता है बस हम जिस घर में चले गए ना बस उधर से हम वापस घर आ जाएँ, मुझे ज़्यादा ये हाइट में नहीं जाना पड़े। तो खैर मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव है, मुझे खुद लेके जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आप अपना डर ख़त्म करो, डर ही होता है कि इंसान के अंदर वो खुद से ख़त्म कर सकता है। तो चलें आप व्लॉग देखें मेरा, और ये भी व्लॉग कल अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, तो आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, एडवांस मुबारक हो, और उसके बाद इंशाल्लाह एक महीना है बस हमारे पास, तो आपको बताया इतनी जल्दी गुजर जाता है ये माह रमज़ान, तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, 10 दिन गुजरते हैं उसके बाद माशाल्लाह गुजर जाता है जल्दी ना, तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। और हमें जो होती है ना अल्लाह ताला की सिर्फ इबादत करने की तौफीक अता फरमाएं, आमीन। और चलें आप लोग व्लॉग देखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।